ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 लास्ट लेक्चर में थोड़ा वो ठीक है लास्ट में एक छोटा सा चीज रह गया था जो मैं बताने वाला था हुक्स लॉ के अंदर ही। तो वो ये था कि हम लोग ने ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, इसके पहले जो मैंने बताया था दैट वाज एनालिटिकल अप्रोच एंड दिस इज ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच में अपना क्वेश्चन कैसा था कि है ना, ये सब हम लोग ने कैलकुलेशन किया था, बरोबर, दिस वॉज ऑल अबाउट, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच। और हम लोग का फाइनल क्वेश्चन क्या था, फाइनल क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे कोई भी ग्राफ मिलेगा, ठीक है, तो उसका, ठीक है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है। तो जैसे कि मैंने बोला था यहां पर अगर एक मटेरियल ए है, ओके, और लेट से ये दूसरा ग्राफ है बी मटेरियल का, और अगर मैं पूछूं मटेरियल ए ज्यादा इलास्टिक है कि मटेरियल बी ज्यादा इलास्टिक है, तो ये फॉर्मूला को देखने का, ई इज इक्वल टू व्हाट, टैन थीटा। तो यहाँ पर तुम देखोगे E इज इक्वल टू टैन थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा, जिसका थीटा कम होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम होगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसका थीटा, देखो इसका थीटा ज्यादा है, इसका थीटा क्या है, कम है, तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब मटीरियल ए जो भी है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है ज्यादा है। अच्छा, अब समझो वो जो ग्राफ हम लोग ने बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, बरोबर, वो मैंने 5 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, कौन से 4-5 पॉइंट लिए थे वो मैं जरा एक बार बता देता हूँ फिर से, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। तो वो जो मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये ग्राफ के लिए मैंने पॉइंट्स लिए थे स्ट्रेस, ओके, और स्ट्रेन 0, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 0, 1, 3, 4, 5, ओके, समझो ये ग्राफ बनाते टाइम, बरोबर है, अगर मैंने थोड़ा सा अगर इसको खींच दिया होता ऐसे तो चलेगा क्या ये ग्राफ, है ना, ये रीडिंग्स आई थी और मैंने ये ग्राफ बनाया था। अगर समझो अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा खींच देता तो ये ग्राफ करेक्ट होता, नहीं ये ग्राफ फिर गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा बना दूं तो अगर मैं किसी को ग्राफ दिखाऊंगा तो वो क्या बोलेगा कि 1 मीटर से वायर को खींचोगे तो अंदर स्ट्रेस 1 मीटर का आएगा, 2 मीटर से वायर को खींचोगे तो अंदर स्ट्रेस 2 न्यूटन का आएगा, 3 मीटर से वायर को खींचोगे तो इतना आएगा, है ना, और इसका मतलब क्या होता है अगर 6 मीटर से वायर को खींचोगे तो अंदर स्ट्रेस कितना आएगा, 6 न्यूटन का आएगा, बट ठीक है अकॉर्डिंग टू द रीडिंग्स, है ना, वो देखो वो 5 पे ही ब्रेक हो गया था। तो इसीलिए जब ग्राफ बनाऊंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि इसको मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीजें बट इम्पॉर्टेंट चीज है, ओके। और एक चीज यहाँ पर, जैसा जैसा मैं स्ट्रेन करते गया, ठीक है ना, जैसा जैसा मैं स्ट्रेन बढ़ाते गया, जैसे जैसे मैं स्ट्रेन बढ़ाते गया स्ट्रेस भी क्या हो गया, बढ़ते गया, बट ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ये रिलेशन क्या लाइफ टाइम तक वैलिड था, नहीं, ये सिर्फ कितना तक वैलिड था, है ना, 5 मीटर का स्ट्रेन हुआ तब तक ही वैलिड था, इसके बाद क्या हो गया, वायर सीधा ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये जो रिलेशन है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये लाइफ टाइम तक वैलिड नहीं होता, ये एक लिमिट तक वैलिड होता है, और वो लिमिट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये जो स्टेटमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, हुक्स लॉ का, ठीक है। तो हुक्स लॉ का अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा, 2 से 3 मार्क के लोग यूजुअली पूछते हैं कि व्हाट इज हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ में, ठीक है, यू हैव टू राइट दैट इज उसका स्टेटमेंट एंड उसका वो जो मैंने जो कैलकुलेशन पार्ट वगैरह दिया था वो सब, ठीक है, नोट्स वगैरह, इफ एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ईमेल कर दो या अपना ईमेल डाल दो, ठीक है, आई विल फॉरवर्ड यू द नोट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट हुक्स लॉ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आई होप इट इज वेरी क्लियर कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, उससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, बरोबर, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड टेकिंग कैपेबिलिटी, बरोबर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग क्यों यूज करते हैं कि, है ना, एक तो होता है एनालिटिकल अप्रोच, दूसरा होता है ग्राफिकल अप्रोच। अगर मुझे मटेरियल के अंदर कंपैरिजन करना होता है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा लोड उठा सकता है, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं उसका, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से, ओके।
अब एक चीज समझो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? कॉन्स्टेंट था. इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, हम लोग ने कुछ ऐसा लिखा था, कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम लोग ने ई लिखा था, ओके, अब ये जो ई होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, रिमेम्बर इट इज कांस्टेंट. तो इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल. क्या मैं इसका मीनिंग थोड़ा टाइम में समझाता हूँ. इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल इफ मटेरियल चेंजेस, इफ मटेरियल चेंजेस, ठीक है, देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो चेंजेस. इसका मतलब देखो ऐसा है कि अगर अगर मैं स्टील का वायर ले लूं, एग्जांपल, ठीक है, स्टील का वायर इतना लूं, ठीक है, या इतना मोटा लूं, बरोबर है, या फिर स्टील का वायर में कुछ इतना मोटा ले लूं, ओके, तो बोलने का मतलब ऐसा है कि इसके अंदर समझो मैंने वायर को कुछ तो अमाउंट से, ठीक है, चेंज किया, यहाँ पर भी मैंने स्टील के वायर को कुछ तो अमाउंट से चेंज किया, यहाँ पर भी मैंने वायर को कुछ तो अमाउंट से चेंज किया, बरोबर है, ये क्या हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेन हुआ है, यहाँ पर भी ये क्या हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, बरोबर है, और यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये स्ट्रेन हुआ है. वायर टूटा नहीं मतलब इसके अंदर क्या है, स्ट्रेस है. सिमिलरली वायर टूटा नहीं मतलब इसके अंदर भी क्या है, स्ट्रेस है, और वायर टूटा नहीं मतलब इसके अंदर भी क्या है, स्ट्रेस है. और तीनों कौन सा मटेरियल है, तीनों है सेम मटेरियल, स्टील का ही. तो कंक्लूजन ऐसा है, अगर जब तुम यहाँ पर रेशियो निकालोगे किसका, ठीक है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं ई, तो ये कुछ वैल्यू आएगी. यहाँ पर भी अगर मैं रेशियो निकालूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पर भी मैं रेशियो निकालूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बरोबर है. मैजिक ये होता है कि तीनों की वैल्यूज, ठीक है, मुझे क्या मिलेगी, तीनों की वैल्यू मुझे कांस्टेंट ही मिलेगी. ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये प्रैक्टिकली हमने करके देखा है, बरोबर है. और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हर बार सेम ही आएगी, मतलब स्ट्रेस चेंज हो सकता है, स्ट्रेन चेंज हो सकता है, आपस में लोग चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल जब तुम उनको डिवाइड करोगे तो तुमको रेशियो क्या मिल जाएगा, सेम ही मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हेन वी से इट इज कांस्टेंट. हाँ, बट अगर ये स्टील है और ये कॉपर है तो फिर वो अलग हो जाएगा, तो रेशियो अलग हो जाएगा, लेकिन फिर वो कॉपर के लिए वो वैल्यू सेम होगी. तो वैसे स्टील के लिए ई की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 × 10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्टील के लिए कितनी वैल्यू है, स्टील के लिए वैल्यू इतनी होती है. इसका मतलब क्या हुआ, स्टील का, अगर ये स्टील का वायर है और समझो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 m² का है, तो 1 m² का एरिया कितना लोड उठा सकता है, 2 × 10⁻¹⁷. तो इमेजिन 2 के बाद 11 जीरोस, दैट इज द रीजन स्टील इज वेरी स्ट्रांग, और हर चीज में हम लोग स्टील यूज करते हैं. घर में जो बर्तन होते वही सिर्फ स्टील के नहीं होते, वो स्टील का एकदम टॉप मोस्ट क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी, दैट इज स्टेनलेस स्टील हम लोग बोलते हैं उसको. बाकी दूसरी भी चीजें जिसमें स्टील यूज होता है बट हमको वो समझ में नहीं आता. स्टील मतलब क्या, कार्बन कंटेंट. ओके ओके, बट वो सब अपने सिलेबस में नहीं है. व्हेन यू गो फॉर इंजीनियरिंग तो मटेरियल टेक्नोलॉजी ये सब सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर सब डिटेल में आएगा. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना समझ जाओ कि वो कॉन्स्टेंट होता है, इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल, इफ मटीरियल चेंजेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो वॉट चेंजेस. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, तो लेट अस सी नाउ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट फॉर्म में MOE. ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने बोला, इट इज व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके. अब एक चीज समझो कि हम लोग ने स्ट्रेन पढ़े, स्ट्रेन हम लोग ने कितने टाइप के पढ़े, एक टाइप का स्ट्रेन इधर, एक टाइप का स्ट्रेन इधर, और एक टाइप का इधर स्ट्रेन. एक सबसे पहला जो हमने स्ट्रेन पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. दूसरा हम लोग ने जो स्ट्रेन पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन.
और तीसरा टाइप का जो स्ट्रेन हम लोग ने पढ़ा वो हमने कौन सा पढ़ा, शियरिंग स्ट्रेन करके। अब हम लोग ने स्ट्रेस भी तीन टाइप के पढ़े, स्ट्रेस हम लोग ने कौन से टाइप के पढ़े, बरोबर है, स्ट्रेस भी हमने तीन टाइप के पढ़े। जो स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की वजह से आता है उसको हमने क्या बोला, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वजह से आता है उसको हमने क्या बोला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके, और जो स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेस की वजह से आता है उसको हमने क्या बोला, शियरिंग स्ट्रेस। अब एक चीज समझो, जब स्ट्रेन तीन टाइप के है, स्ट्रेस तीन टाइप के, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने टाइप की हो जाएगी, तीन टाइप की। कैसे, तो यहाँ देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं, यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है। तो व्हेन इट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रहेगा तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, बट जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो उसको हम लोग, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, बल्क। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन होगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब तुमको एक थोड़ा सा डाउट आता रहेगा, सर हर बार ना ये शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। देखो यहाँ पर भी ये इनका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सेम था, इसका फॉर्मूला सेम था, दोनों फोर्स और एरिया परपेंडिकुलर थे, बट ये देखो ये हमेशा अलग ही होता है। यहाँ पर भी देखो रिजिडिटी आ गया है ना, तुम लोगों को डाउट हो सकता है, सर आपने देखो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो टर्म पूरा बोला आपने, यहाँ पर ये टर्म पूरा बोला आपने, कुछ ऐड कर दिया आपने, आपने यहाँ पर बट क्या किया, वो रिजिडिटी इलास्टिसिटी नहीं हटा के रिजिडिटी डाल दिया। अब ये क्या सीन है, जरा ये भी हम लोग चेक करते। नोटेशन की बात करें तो इसका नोटेशन जो होता है वो होता है कैपिटल वाई, इसका नोटेशन जो होता है वो होता है कैपिटल बी, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का नोटेशन होता है जी, बट मैं यूज करूंगा ईटा, ठीक है ना, मैं कौन सा नोटेशन यूज करूंगा, ईटा करके, एफिशिएंसी वाला नोटेशन है ये, बराबर है, ईटा करके, बहुत सारे टीचर्स उसको कैपिटल जी से भी लिखते हैं। तो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। बट अगर किसी ने पूछा व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एग्जाम में बल्क और ये नहीं आता है यूजुअली, ठीक है, ज्यादा 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 करके जो पूछते वो यही पूछते, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके ऊपर डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो डेरिवेशन के ही बात करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब रेशियो बोल रहे हो तो पर यूनिट मत बोलो, पर यूनिट बोल रहे हो तो रेशियो मत बोलो। ओके, तो यहाँ पर क्या, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। अब यहाँ पर एक चीज समझो, मैंने रिजिडिटी क्यों बोला, तो देखो रिजिडिटी मतलब अगर मैं बात करूंगा सॉलिड लिक्विड और गैस की, तीनों जो मैटर होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम लोग बोल रहे थे, बराबर है, दैट इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग। अब मुझे बताओ शियरिंग जो एक्शन होता है, शियरिंग एक्शन हम लोग किस में सिर्फ कर सकते हैं, जो मैटर के जो तीन मैटर है सॉलिड लिक्विड और गैसेस। अगर मैं गैसेस की बात करूंगा तो गैस को मैं शेयर कर सकता हूँ क्या, गैस को मैं शेयर पॉसिबली नहीं कर पाऊंगा क्या, लिक्विड को शेयर कर पाऊ नहीं, बट अगर सॉलिड मिलेगा तो सॉलिड को आई कैन ग्रैब, आई कैन होल्ड इट एंड आई कैन शेयर इट, अंडरस्टूड। तो ये जो शेयरिंग वाला एक्शन होता है ना, ये सिर्फ किस में होता है, सिर्फ सॉलिड में होता है, और सॉलिड क्या होता है, रिजिड होते हैं, रिजिड, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो व्हेन इट इज अ रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, वी कॉल इट एज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, बी नहीं, चलो पहले यंग्स मॉड्यूलस की बात कर लेते हैं और बाद में हम लोग इसकी बात भी कर लेंगे। तो नाउ विल डिस्कस व्हाट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लेंथ करके। तो देखो कैसे, तो फिर से वही घिसा पिटा स्टेटमेंट, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस में रेशियो आता है लॉन्जिट्यूडिनल, है ना, लॉन्जिट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है। तो लेट्स अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ वायर, ये मैंने वायर ले लिया है,
यहाँ पर लेट्स से दिस इज द वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका रेडियस कुछ तो है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ तो आएगा पाई आर स्क्वायर करके ओके। अगर इसका रेडियस मैं मान लूँ इसका रेडियस कितना है ये इसका रेडियस है आर है करके मैंने कुछ तो अंदर वेट अटैच किया और इसका लेंथ क्या हो गया इंक्रीज हो गया कितने से इंक्रीज हो गया तो लेट से दिस मच ओके। और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है तो ओरिजिनल लेंथ है दिस मच ओरिजिनल लेंथ इज द एल और इतने से लेंथ चेंज हो गया दैट इज डेल्टा एल और नीचे मैंने क्या किया यहाँ पर वेट अटैच किया हुआ है ठीक है वेट इज नथिंग बट डीफॉर्मिंग फोर्स एंड डीफॉर्मिंग फोर्स इज एम जी ओके। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है लेंथ में चेंज हो रहा है और लेंथ में जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। वायर टूटा नहीं मतलब इसके अंदर क्या है स्ट्रेस है और जो स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की वजह से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड द रेशियो इज नोन एज व्हाट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ओके और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ कितना चेंज हुआ कितने पे तो दिस आई कैन राइट इट दिस वे। अब सिंप्लीफिकेशन करो तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो y क्या हो जाएगा इट विल बी f इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा l। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो नेक्स्ट डेरिवेशन है पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही डेरिवेशन है जो लोग सॉरी दो डेरिवेशन दो ही क्वेश्चन है जो लोग यूजली पूछते हैं तो जो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं उसमें ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं दो तीन चीज़ें निकाल सकता हूँ अगर मैं f की बात करूँ तो f को एक बाजू रखो और f क्या रहेगा y a डेल्टा l अपॉन l ओके ओके। फिलहाल वापस इसी पे आ जाते हैं। अगर बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट की तो चाहे कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होने दो स्ट्रेन का तो यूनिट होता नहीं है तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही क्या होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस इज हाउ मच सॉरी दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इसका यूनिट भी कितना होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी क्या होगा सेम ही होगा जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही उसका भी डायमेंशन होगा। अब एग्जाम में कभी कभी इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट भी पूछते और वो क्या होता है फोर्स ये फोर्स क्या होता है ठीक है ये फोर्स है ना ये फोर्स फोर्स इज वेट एंड वेट इज एम जी और एम जी एल और एरिया क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ऐसे भी फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एक चीज समझो कि यहाँ पर ये फोर्स क्या है बरोबर तो देखो ये फोर्स हमने क्या लिखा था स्ट्रेस वाला मतलब ये कौन सा फोर्स है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग किसको देख के निकालते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो इसके अंदर भी इसके अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना है वो एफ है कैसे ये अंदर जो फोर्स हम लोग किसको देख के निकालते इसको देख के और ये क्या है एफ है ना इसके लिए तो इसको हम लोग दोनों भी तरीके से बोल सकते हैं इसको हम लोग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं लेकिन कब तक जब तक वायर टूटता नहीं है तब तक। तो ये दो मार्क का लोग चीज पूछते हैं। अब ये चीज समझो कि ये फॉर्मूला इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डेरिवेशन में चीज यूज करूंगा। समझो डेल्टा एल क्या है डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ ठीक है। अगर मैं तुमको एक सैंपल दूं और मैं तुमको पूछूं और मैं तुमको बोलूं कि ये वायर को मुझे 20 मीटर से खींच के बता दो ओके तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो तुम वायर को ठीक है प्रैक्टिकली लोड करो और धीरे धीरे वेट डालते जाओ बरोबर है ना तुमको 1111 न्यूटन का फोर्स डालते रहना पड़ेगा है ना और जब तक वो जितना मैंने लेंथ में बोला है अगर उतना इंक्रीज नहीं होता है तब तो तुमको वेट वेट डालना पड़ेगा कहीं तुमने गलती ज़्यादा वेट डाल दिया वायर टूट भी सकता है। तो अगर तुमको वायर बिना तोड़े अगर तुमको चेक करना है तो ये फॉर्मूला तुमको हेल्प करेगा कैसे तो ज़रा समझो डेल्टा एल डेल्टा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी समझो मैंने बोला मुझे वायर को 10 मीटर से खींचना है तो तुम क्या करोगे वायर का ओरिजिनल लेंथ मेजर कर सकते हो हाँ मेजर कर सकते हो क्या तुम एरिया निकाल सकते हो हाँ इसका रेडियस निकाल लो मल्टीप्लाई बाय आर कर दो और पाई कर दो तुमको एरिया मिल जाएगा। यंग्स मॉडुलस कहाँ से मिलेगा समझो ये अगर स्टील का वायर है ठीक है तो स्टील के लिए मैंने बोला था स्टील के लिए वैल्यू फिक्स होती है दैट इज 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है बट
99% हम लोग स्टील का वायर ही यूज करते हैं, तो ये वैल्यू भी मुझे मालूम है, ये वैल्यू भी मुझे मालूम है, ये भी मालूम, ये भी मालूम है। समझो मैं कैलकुलेट करूंगा, समझो ये वैल्यू आएगी मुझे 10 न्यूटन, तो यहाँ पर मैं कितना डालूंगा, एग्जैक्टली 10 न्यूटन डालूंगा और मैं देखूंगा कि वायर 10 मीटर से बराबर इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही चीज़? तो बिना वायर को डैमेज किए, बिना टाइम वेस्ट किए, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड आई कैन, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली आई कैन, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स दैट इज नीडेड टू स्ट्रेच दिस वायर बाय दिस मच अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो दिस वॉज अबाउट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ दोनों बाकी दो बज गए, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ, सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और क्या बोलते हैं इसको, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो एग्जाम में ज्यादा करके पूछते नहीं है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस कर दिया, ठीक है, डिस्कस के बारे में, तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? इट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? इट इज डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बरोबर है, ये वी ऊपर चले चले जाएगा, ठीक है ना, और ये एरिया क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी अपॉन एरिया इंटू डेल्टा वी। इफ यू रिमेंबर, फोर्स अपॉन एरिया इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वी राइट इट एज व्हाट, डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी करके। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला वैलिड फॉर सॉलिड। गैस के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, बट वो सिलेबस में इतना कभी पूछते नहीं है। ओके, तो वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। साउंड वेव्स की जब बात आएगी तभी ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, बल्क मॉड्यूलस करके कितना होता है गैस के लिए, इट इज इक्वल टू द प्रेशर करके। ओके, यूनिट वगैरह सब सेम रहेगा। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट वाला, शेयरिंग स्ट्रेस का। तो शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पर क्या है, हम लोग ने बोला जैसे कि शेयरिंग स्ट्रेस होता है अगेन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये क्या होता है थीटा। तो है ना, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का नोटेशन मैंने ईटा लिखा हुआ है, तो दिस इज एफ अपॉन ए इंटू थीटा, तो ये यहाँ पर आ गया। तो दिस आई कैन राइट इट एज एफ इंटू थीटा। नाउ इफ यू रिमेंबर, थीटा को आई कैन राइट इट एज व्हाट, डेल्टा एक्स अपॉन एच, तो ये एच ऊपर जाएगा, तो आई कैन राइट दिस एज इक्वेशन एफ एच, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स। सो दिस इज अबाउट मॉड्यूलस ऑफ rigidity।